खबर आए बरेली से है, जहां गेगासो घाट में गंगा नहाते समय फुफेरे भाई बहन डूब गए, जबकि लोगों ने एक को डूबने से बचा लिया। घटना से हड़कंप मच गया। उप जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर गोताखोरों को नदी में उतरवाया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। कानपुर नगर के कौशलपुरी संतनगर चौराहे के रहने वाले आशुतोष गुप्ता उम्र 18 वर्ष, पुत्र देवेंद्र गुप्ता अपने फूफा विशन चंद्र उम्र रामू निवासी सराफा मंडी लालगंज के घर रविवार को आए थे, जहाँ विशन चंद्र की बेटी विदुषी गुप्ता, वैभव गुप्ता, आदित्य गुप्ता आशुतोष के साथ गेगासो गंगा नहाने चले गए, जहां चारों गहरे पानी में उतर गए। इस बीच गहराई ज्यादा होने से आशुतोष, विदुषी गुप्ता व वैभव गुप्ता डूबने लगे। शोर शराबा मचाने पर पास में नहा रहे एक व्यक्ति ने वैभव को तो बचा लिया, लेकिन विदुषी व आशुतोष डूब गए। इससे हड़कंप मच गया है। लोगों ने गेगासो चौकी को घटना से अवगत कराया तो पुलिस घाट पर पहुंची और जाल डलवाकर दोनों की खोज कराई, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। इस बीच उप जिलाधिकारी विजय कुमार, तहसीलदार ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह मौके पर पहुंचकर गोताखोरों को नदी में उतरवाया, लेकिन दोनों का पता नहीं चल सका है। इस घटना से इलाके में कोहराम मच गया है। फिलहाल गोताखोरों द्वारा डूबे युवक उबती की खोजबीन की जा रही है। 9:30 बजे के आसपास गंगा से जो फतेहपुर की साइड में गंगा बहती है, यहाँ चार बच्चे नहाने आके लिए आए हुए थे, जिसमें से नहाते समय एक लड़की और एक लड़का डूब गए। लड़की का नाम विदुषी है, जिसकी उम्र 24 साल थी। लड़का आशुतोष गुप्ता है, जिसकी उम्र 28 साल थी। यहाँ पर जो है गोताखोर लगाए हुए हैं, जाल लगाया हुआ है, लगातार छानबीन कर रहे हैं और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कैद बॉडी मिल जाए। तो इसमें दो लोग डूब गए हैं।